ये नौशहर व फ़िरोज़ के करीब मोरो का गोठ मलक है, ये कदीम गांव है और इस गांव की आबादी तकरीबन 25,000 से ज़्यादा है और यहाँ मुख्तलफ जो कास्ट के लोग हैं वो बसते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं इन फुटेजेस के अंदर कि ये गांव जो है बिल्कुल दरिया समझो है उसके करीब है और कई जो फ्लैट्स वगैरह आए हैं वो इस गांव ने देखे हैं और गांव का एक हिस्सा जो है वो कभी ना कभी किसी न किसी सूरत हाल में डूबता रहा। लेकिन ये गांव जो है इसकी अक्सरियती जो इलाका है जो थोड़ा सा ऊपर भी है वहाँ पे अक्सर व बेशतर ऐसा हुआ कि वो घर जो है वो बचते रहे हैं और आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वहाँ आबाद रहा है और काफ़ी लोग जो है वहाँ से हिजरत करके या वहाँ से निकल के नकल मकानी करके करीबी जो गांव हैं शहर हैं जैसे दादू है मोरो है और जिगर शहर हैं वहाँ पे जाके उन्होंने पनाह ली और इसके साथ साथ डिपार्चा और दिगर भी गांव इसके करीब हैं जहाँ लोगों ने पनाह ली थी। लेकिन इस बार ये हाल है कि ये गांव वालों ने ख़ुद एक कश्ती का बंदोबस्त किया है और साथ में जो है और भी कर रहे हैं और जो एरिया जो डूबता नहीं है जो थोड़ा सा ऊपर है उस इलाके को बचाने के लिए यानी बहुत सारे उसमें हज़ारों घर हैं वो उनको बचाने के लिए ये नौजवान हमारे जो है वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि हम यहाँ पर कोई भी हमारे पास आया है ना MPA है ज़ुल्फ़िकार बिहान है इलाके का वो भी नहीं आया इस एरिया में। इसके अलावा नाजम है यहाँ के डॉक्टर बहादुर खेड़ो वो भी नहीं आए हैं। इसके साथ साथ और जो लोग हैं वो भी यहाँ नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आया लोगों के पास हाल उनके लिए उनका हाल पूछने के लिए और गांव जो है पूरा डूबने के करीब है, डूब रहा है और वहाँ की फसलें और बाकी चीज़ें जो हैं खेत वगैरह भी डूब चुके हैं और इसके साथ साथ मस्जिदें जो कदीम मस्जिदें हैं गांव में वो भी गिर चुकी हैं और स्कूल जो हैं गर्ल्स स्कूल है बॉयज़ स्कूल है और दीगर हैं वो भी जो है वो डूब गए हैं, पानी के ज़राब आ गए हैं और इसके साथ साथ जो है लोग बेचारे परेशान हैं, गरीब भी हैं। ये वो गांव हैं जो तकरीबन 90% से ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के लड़कियां सब यहां रहते हैं, वो साथ पढ़ते हैं, कॉलेज भी अभी है इंटर तक वहां पढ़ सकते हैं मिलके जो लड़कियां और लड़के दोनों, तो ये को एजुकेशन का सिस्टम भी यहां मौजूद है और कई प्राइमरी स्कूल भी हैं बॉयज़ के वो और गर्ल्स के भी, एजुकेशन के लिहाज से बहुत आगे ये शहर है ये गाँव है हमारा। और इस गांव से जो है बहुत सारे लोग जो है ग़ुलाम सरवर खेड़ो तमीज़ दीन खेड़ो और दीगर लोग जो हैं बड़े बड़े उहदों पे भी रहे हैं और डॉक्टर्स और दीगर इंजीनियर वगैरह वगैरह जो है वो जो हैं आकाशी के जो आलियात वगैरह वो भी गाँव के अलग पहुँचे और ये आप देख सकते हैं इतने सारे लोग होते हुए भी और इतने बड़े उहदे होते हुए भी और जितना के लोगों की जानक से अभी हालिया दिनों में अभी थोड़े ही दिन हो गए हैं जो कि पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको कामयाब किया और दीगर लोगों को वहाँ कामयाब किया। लेकिन वो लोग अभी गांव छोड़ के नवाबशाह और दीगर इलाकों में चले गए हैं और ये भी इतला है कि वो लोग जो है इन गांव के लोगों का कोई भी हाल पूछने के लिए नहीं आए हैं, ना इनको इमदाद दे रहे हैं ना और कुछ दे रहे हैं और लोग जो हैं पानी के अंदर फंसे हुए हैं और इंतहाई ख़राब हालत है वहाँ उनकी कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो भी नहीं है क्योंकि जो रोड जाता है दो तरफ से एक डिपार्चर की तरफ से और एक पुरन की तरफ से ये दोनों रोड जो हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और अब इसका हाल जो है वो बुरा हो गया है। लोग जो है शहर की तरफ भी नहीं आ सकते और बच्चे भी छोटे वहाँ हैं, खुवातीन भी हैं और उसके अलावा मवेशी भी जो है वो गाँव में सारे बंद हैं और वो वहाँ निकल भी नहीं पा रहे और वहाँ की इंतजामिया जो है नौशहर व फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया मोरो की इंतजामिया जो है वो उनकी कोई मदद भी नहीं कर रहे हैं। लोग आते हैं वोटों के लिए हम जो है बड़े उहदे पे चले नौजवान जो हमारे हैं वो लोग हैं जो दीवाने लगा के नोटिस लें कि सरकार।